हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लेकर के बना रहा हूँ। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में खास क्या है, आइए आपको दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे 8-10 रिकॉर्ड हमारे पास हैं, 8 रिकॉर्ड हैं हमारे पास। तो अभी हम क्या चाहते हैं, हम एक ऐसी क्वेरी चाहते हैं जिसके माध्यम से हम वो क्वेरी लगाएं और इनमें से कोई पर्टिकुलर डेटा फेच हो जाए। और दूसरा सवाल ये है कि पूरा का पूरा डेटा फेच हो जाए। तो दोनों ही क्वेरीज आपको दिखाता हूँ। पहले इस टेबल को ऑफ कर देते हैं, यहाँ से ये ऑफ कर दिया मैंने इसको सेव करके, तो ये ऑफ कर दिया। अब यहाँ पे क्रिएट पे चलते हैं और यहाँ से क्वेरी डिजाइन पे आते हैं। जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर आपको एसक्यूएल मिलेगा, क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए सेलेक्ट जो स्टेटमेंट है ये लिखा हुआ है, आप चाहे तो इसको हटा करके दोबारा से लिख सकते हैं, वैसे तो लिखा हुआ है, हटाने की कोई जरूरत नहीं। सेलेक्ट हो गया, एस्ट्रिक लगाइएगा, ये स्टार का सिंबल, और यहाँ लिखिएगा फ्रॉम, और फिर टेबल का नाम है माई टेबल। तो जो टेबल का नाम है वही टेबल का नाम आपको दे देना है, ये दे दिया। और यहां से क्या करना है, यहां से आपको टर्मिनेट करना है या यानी सेमी कॉलन दे देना है और यहां से रन पे क्लिक करना है। तो आप देखेंगे कि सारा रिकॉर्ड फेच हो जा रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड फेच कराने के लिए क्या चाहिए, ये सोचना होगा हमको। तो यहां से फिर वापिस से एसक्यूएल व्यू पे लेते हैं, ठीक है। और यहां पर क्या करते हैं, एंटर करते हैं, यहां पर लिखते हैं वेयर। यहाँ पर इस टेबल को एक बार देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए रोल नंबर आ रहा है, तो रोल नंबर इज इक्वल टू 5 कर देते हैं। केवल 5 रोल नंबर वाले का ही रिकॉर्ड आपके पास आएगा। वेयर, यहाँ पर देखिए रोल अंडरस्कोर नंबर इज इक्वल टू 5, ये 5 कर दिया और यहाँ से टर्मिनेट कर दिया। एक बार चेक कर लेते हैं रोल नंबर, हाँ ठीक है। तो अभी क्या करना है, इस टेबल को ऑफ कर देना है और सेव करके, और यहाँ पर इसको रन करा देना है। तो क्वेरी डिजाइन पे यहाँ से ये रन करवाइए इसको। जैसे ही रन करवाएंगे तो केवल आपको रोल नंबर 5 वाले का ही रिकॉर्ड देखने को मिलेगा, ठीक है। वापस उसको लेते हैं एसक्यूएल व्यू पर, ठीक है। यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि जिनका यहाँ पे, चलिए यहाँ पे कंडीशन चेंज करते हैं। कंडीशन क्या देंगे आइए देखते हैं, रोल नंबर हटा देते हैं, पहले तो रोल नंबर के हिसाब से दिया था, अब देखिए कंडीशन क्या देंगे। यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं, देखिए जिनका भी कंप्यूटर साइंस में मार्क्स 60, कंप्यूटर साइंस, क्या यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम है कंप्यूटर साइंस, तो यहाँ पे कंप्यूटर लिखेंगे, साइंस नहीं है केवल कंप्यूटर है। तो जो लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे लिख दीजिएगा, वेयर कंप्यूटर 60 कर देंगे, क्या कर देंगे 60, ठीक है 60 कर देंगे। ये देखिए ये कर दिया हमने 60, और 60 करने के बाद यहाँ से इस टेबल को ऑफ करके और इसको चला देना है। तो यहाँ से जब चलाएंगे तो देखेंगे कि 60, अब देखिए यहाँ पे कंप्यूटर में कितना है 44 है, ये लेस देन का साइन था, तो लेस देन के लिए ये देखिए ये इस तरीके से लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। यहाँ पर देखिए वापस से मैं दिखाता हूँ आपको क्या यहाँ पे कंडीशन दी गई थी। यहाँ दिया गया वेयर कंप्यूटर साइंस इज लेस देन इक्वल टू 60, मतलब 60 से लेस हो वही आए। तो यहाँ देखिए सारे 60 से लेस ही आए हुए हैं कंप्यूटर में, ये देखिए ये सारे नंबर कंप्यूटर में 60 से लेस हैं। अगर हम यहाँ ग्रेटर और इक्वल टू कर देते हैं तो कंडीशन चेंज हो जाएगी, ये ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटर और इक्वल टू, तो यहाँ पे देखिए ग्रेटर वाले ही आएंगे। देखिए कंप्यूटर में 60 से ग्रेटर वाले आ रहे हैं, देख रहे हैं,